एडिशनल हायर पेंशन इन्फॉर्मेशन बताता चलो काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है स्पेशली फॉर हिंदी व्यूअर्स एज वेल एज फॉर इंग्लिश व्यूअर्स आई विल कवर बोथ फॉर द बोथ व्यूअर्स वी आल्सो इन्फॉर्म यू दैट द हायर पेंशन ऑर्डर हैव बीन इशू ट्वेल्व पेंशनर्स बिलोंगिंग टू तमिलनाडु पेपर मील टी एन पी एल टूडे एट कौर बाई त्रिची रीजनल पी एफ ऑफिस बिलो आर द पेंशन एंड एरियस डिटेल्स ऑफ थ्री ऑफ द तो हायर पेंशन का जैसा कि आप सबको पता है कि ऑर्डर शुरू हो चुके हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको डिटेल्स साझा करने वाला हूँ जो कि जिनको जिनको हायर पेंशन मिला हुआ है अब हायर पेंशन कितनी मिली हुई है ये आप देखिए आगे वाले वीडियो में मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ उसमें आपको हायर पेंशन का पूरा डिटेल मिल जाएगा तीन पेंशन का मैं आपको डिटेल दूंगा जिसमें आप देखेंगे कि उनका कितना एरियर बना हुआ है कितना उनको एज ए हायर पेंशन मिल रहा है वो सारे डिटेल आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ तो यहाँ पर पहला पेंशनर्स आप देख पा रहे हैं उनका करंट पेंशन कितना था अट्ठाईस सौ रुपये दो हज़ार आठ सौ रुपये उनको करंट पेंशन मिलती थी हायर पेंशन उनका बना है ग्यारह हज़ार तीन सौ ग्यारह रुपये उनको एरियर मिला करीब छः लाख सत्रह हज़ार आठ सौ निन्यानवे रुपये का डिमांड अमाउंट कितना था उनका जो अमाउंट मांगा गया था उनसे करीब पाँच लाख चौवालीस हज़ार सात दो सौ सत्ताईस रुपये एज अमाउंट उनसे मांगा गया था उनका पेंशन बना है ग्यारह हज़ार तीन सौ ग्यारह हज़ार तीन सौ ग्यारह रुपये आर रामा शुभ ये है पहला के नटराजन है जिनका करंट पेंशन था दो हज़ार छः सौ उनसठ रुपये जो कि हायर पेंशन के रूप में उनको बारह हज़ार चार सौ इक्यासी रुपये और उनका जो एरियर बना है वो सात लाख पच्चीस हज़ार नौ सौ बयालीस रुपये का बना हुआ है इनसे डिमांड अमाउंट कितना किया गया था छः हज़ार छः सौ बासठ छः लाख छः बासठ हज़ार तीन सौ बयासी रुपये ऐसा डिमांड उनसे किया गया था अगला है आर शंकरा नारायणा तो उनका करंट पेंशन था दो हज़ार और उनका हायर पेंशन बना हुआ है ग्यारह हज़ार छः सौ चौरासी रुपये एरियर उनका मिला हुआ है पाँच हज़ार पाँच लाख से चौहत्तर हज़ार पाँच सौ तीस रुपये और उनसे डिमांड अमाउंट जो था पाँच लाख तिरालीस हज़ार सोलह रुपये का किया गया था वी आर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद यू विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम योर टी एन पी एल पेंशन सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेश ट्रस्ट महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें तीन आपने तीन पेंशनर्स को दिखा कि हायर पेंशन मिलने के बाद कितनी पेंशन उनकी हो जाती है जो कि करंट पेंशन से है तो जब भी हायर पेंशन अप्लाई होता है तो काफ़ी अधिक अंतर आपको देखने को मिल रहा है लेकिन उसमें जो है अमाउंट भी जमा करना है एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन था जो कि आप सभी के साथ साझा किया गया कि आशा करता हूँ जानकारी पसंद आएगी रिकमेंड में दीजिएगा शेयर करिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा बहुत बहुत धन्यवाद